प्रत्यंजय, मैथमेटिक्स के प्रत्यंजय में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो, हम लोग एक आज नया टॉपिक लेके आए हैं, ध्रुवचर वाला रैखिक समीकरण। इस पे लगभग 4 से 5 सवालें पूछी जाती हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी आएंगे। तो इन सवाल को लिमिट के अंदर कैसे करना है, आज हम उनके बारे में देखेंगे। चलिए, तो ध्रुवचर वाला रैखिक समीकरण, तो सबसे पहले ये हमको समझना है कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो देखिएगा, रैखिक समीकरण का जो फंड होता है वो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। इसमें सिर्फ दो चर होते हैं। चर का मतलब हुआ लेटर, जो एबीसीडी होती है ना उसका कोई दो वैल्यू, और रैखिक का मतलब होता है जिसका जिसके चर का पावर एक हो। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, और रैखिक मतलब लीनियर होता है, यानी जिसके चर का पावर एक होगा उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जस्ट लाइक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये चर है और यहाँ पे ए बी सी जो है वो कोई नंबर है। ए बी और सी जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, एंड सी, यहाँ पे कोई ये नंबर है। अब वो कौन नंबर्स है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन दो चर में कभी भी ए और बी जीरो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दो चर और कोई एक जीरो भी हो गई तो चलेगा, लेकिन दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। चलो, तो खैर अब चलते हैं हम अपने पॉइंट्स पे। जैसे मान लो कि दो चर वाला रैखिक समीकरण आप किसे कहेंगे, इसको प्लस 5 = 0। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसमें दो चर है आपके, एक एक्स है एक वाई है, और ये ए है ये बी है ये सी है और वो जीरो। फिर से यहाँ पे ना हम जो आज सवाल कराने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड के अंदर आपको पूछा गया वो सवाल है, उन्हीं सवाल को कराने वाले हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि ए बी सी कौन है, ये बहुत मैटर करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको बता दिए, एक्स के साथ जो रहेगा वो है, जो वाई के साथ रहेगा वो भी है, और जो अकेले नंबर में रहेगा वो सी है। ये अगर आप समझ गए तो सवाल आपका क्लियर है। जो सवाल हम कराने वाले वो आप आराम से कर सकते हैं। फिर से देखिए, जैसे हम बोलेंगे ए कौन है तो 2, बी कौन है 4, सी कौन है 5, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि ये जो सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ये बिहार बोर्ड का 2018 के पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण से पूछा गया था, भले इसका आंसर भी गलत था, बोर्ड ने इसको माना भी है, लेकिन आइए उस सवाल को अगर ट्रिक के अंदर करना है तो कैसे करें। तो ये मैंने ट्रिक बनाया है, ये ट्रिक आपके लिए बहुत आसान है। चलिए, तो आपको सिर्फ इसमें याद रखने हैं कि ए बी सी क्या है। देखिए, ए बी सी रखना है, उसमें प्लस माइनस का कोई कैलकुलेशन नहीं करना भैया, एकदम नॉर्मली सोचना। देखो, ए कौन हो गया 5, बी क्या हो गया 3, और सी क्या हो गया 10। प्लस में है माइनस में छोड़ दो, बिना प्लस माइनस का कैलकुलेशन किया आपका सवाल बन जाएगा। चलिए, तो जैसे इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आपके पास ट्रिक है क्या, सी गुने सी बटा 2 गुने ए गुने बी, है ना। तो सी का मान कितना है 10, तो 10 गुने 10 नीचे में क्या है 2 गुने ए का मान कितना 5, और बी का मान कितना 3। कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए 2 से काटिएगा 2 पंचे 10, 5 से 5 कट गए, आंसर कितना आ गया 10/3। कितना इजी सवाल है, बहुत इजी है। अब चलिए इसी तरह से एक सवाल और करते हैं, ऐसे 3-4 सवाल मैं करके आपको दिखाता हूँ, दूसरा आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा। चलिए, दूसरा सवाल आपको जैसे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, 3 6x है प्लस 4y है प्लस 12 है बराबर 0 है। आप कहोगे कि ये सवाल को समीकरण में अगर ठीक से करना है तो a क्या है, भाई a पहला वाला है, x के साथ जो है वो a है, जो y के साथ है वो b है, और जो अकेले है जिसमें लेटर नहीं लगा है वो c है। अब आपका ट्रिक है कि इससे क्षेत्रफल जो बने त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या हो, तो आपको लॉजिक तो पता है, इसका क्षेत्रफल निकालने का क्या है, क्षेत्रफल का लॉजिक ट्रिक है सर, सी गुने सी बटा 2 गुने ए गुने बी, यही इसका लॉजिक है। आप नहीं लिखेंगे, थोड़ा देर में आपको याद हो जाएगा, आप 12 हो गया, ये भी क्या हो गई 12 नीचे में 2 और जगह के अंदर, और ए का मान 6 और सी का मान 4 काटे, देखिए 2 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, 6 से ये 6 कट गया, 4 से काटेगा 3 बार में कट जाएगा, कितना इजी है, इसका आंसर आ गया 3। बात समझ में आ रही है, बहुत इजी सवाल है। चलिए एक सवाल और देख लेना, चलिए मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको, इस पे सवाल कर लेते हैं हम लोग। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसको मिटा देते हैं, एक तो आपको याद नहीं होगी, तो ट्रिक है क्या, बहुत छोटा सा ट्रिक है और बहुत प्यारा सा। चलिए, तीसरा सवाल आपको स्क्रीन पर दिखा गया है, यहाँ
माइनस सिक्स ए है प्लस फोर बी है बराबर 16 है। इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? फिर से वही बात, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, प्लस में है कि माइनस में है, इसका कोई चर्चा नहीं करना है, बस नॉर्मली सवाल को सॉल्व करना है। तो आप क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या करोगे कि इसका ट्रेन है क्या है, सी गुणे सी बाय दो गुणे ए गुणे बी है, यही है। अब इसका आप सवाल करेंगे तो सी का मान 16 गुणे 16 नीचे 2 है तो 2, ए का मान 6 और बी का मान 4, काट दीजिए 2 से 2 अटे 16, फिर 4 से काट दीजिए 4 गुणा 8, फिर 2 से काट दीजिए 2 3 6, अब नहीं कटेगा तो 16 बटा 3 आपका क्या बजे आंसर मिलेगा। बहुत ईजी सवाल है, चलिए एक सवाल और देखिएगा जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। चौथा सवाल कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे है माइनस 3 है, यहाँ पे माइनस 4 है बराबर है 9। आपसे पूछा गया इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत ईजी सवाल है, नोट जरूर कीजिएगा। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आपको सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि इसका ए बी सी क्या है, तो सर ए 3 है, बी 4 है, सी 9 है, तो आपको क्या करना है, सी गुणे सी बट्टा 2 ए बी, 2 ए का मान तो सबको पता है 3, बी का मान कितना होगा सर 4, काट दीजिए 3 से 3 क्या है गुणा कीजिएगा 9 किया 27 बट्टा 8। चलिए कैसा लगा, अगर लाइक अच्छा लगा तो थोड़ा सा लाइक कर देना दोस्त, अगर आपका मोटिवेशन चाहिए तो क्या होते हैं थोड़ा सा एनर्जी मिलती है और आपके लिए मैं काम करूँगा।